तो गैस मैं हूँ किताब देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो गैस क्या WWE बैकलैश 2020 में हमें तब एक डॉग रोमन इसका रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो क्या है पूरी अपडेट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैस बात शुरू करते हैं, पूरी अपडेट है कि अब देखो यहाँ पे बताया गया है रोमन के इंटरव्यू के बाद जो कि उन्होंने TMZ को दिया था, यहाँ पे बताया जा रहा है गाइस कि रोमन दो दिन में या तो दो महीने में या फिर दो साल में भी रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप स्मैकडाउन रोस्टर देखो तो अभी करेंटली हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का कोई चैलेंजर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर बैकलैश तक ब्रॉन स्ट्रोमन का कोई चैलेंजर क्लियर नहीं होता है तो देन हमें बैकलैश 2020 में या फिर उससे एक दो वीक पहले वाले स्मैकडाउन में रोमन द बिग डॉग का रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड देन रोमन जाके चैलेंज करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अभी यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है कि रोमन का रिटर्न कब होगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना है कि रोमन का रिटर्न या तो दो दिन में भी हो सकता है, दो महीने में भी हो सकता है, या तो दो साल में भी हो सकता है। लेकिन आप समझ लो रोमन जैसा बड़ा सुपरस्टार, दो साल वाला चीज़ तो आप हटाएं दो साल तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बच जाते हैं दो दिन और दो महीने। तो WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है बैकलैश, ऐसे में अगर ब्रॉन स्ट्रोमन का कोई चैलेंजर नहीं मिलता है तब देन हमें वहाँ पे द बिग डॉग रोमन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अपडेट और रोमन ने रेडी तो बता ही दिया है, उनका जो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। अब रोमन को ओनली वन थिंग की चिंता है जो कि है उनकी फैमिली की, और रोमन अपने फैमिली को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं आगे होता क्या है, WWE क्या डिसाइड करती है। लेकिन WWE जब ऑफर कर देगी रोमन को, तो जहाँ तक मुझे लगता है रोमन रिटर्न करने वाले हैं अपना बैकलैश 2020 के अराउंड। तो आपके थॉट्स क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर रोमन का रिटर्न होता है तो आपको कैसा लगेगा वो भी जरूर बताएं। एज ए रोमन फैन अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी कमाल का सीन क्रिएट होगा वहाँ पे। वैसे ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे, कुछ अपडेट थी, तो यहाँ पे मिक्सअप कंटेंट मैंने बनाया और यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। आप इसे एज ए प्रेडिक्शन भी ले सकते हो, और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो 100% कन्फर्म तो नहीं रहती है, मैं बस अपने ओपिनियंस और अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यही कुछ कहानी थी पूरी रोमन का रिटर्न बैकलैश 2020 के अराउंड हो सकता है, मे बी बैकलैश 2020 में भी हो सकता है। तो अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वाले वीडियो के लिए इतना था, ज़्यादा से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।